डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। पाइथन के अंदर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उनका सिंटेक्स है, सारी चीजें आपको विद कॉन्सेप्ट्स और विद एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स की बात करें तो यहाँ पे पाइथन के अंदर हम चार तरीके से इसको यूज करते हैं। एक हो गया सिंपल इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, दोनों का यूज किया, तीसरा हो गया इफ एल्स इफ। जैसे हम एल्स इफ यूज करते हैं, यहां पे हमारे पास होता है एल इफ, है भाई, लेकिन सिंटेक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, ई एल आई एफ। और चौथा है नेस्टेड इफ, अगर हम यूज करना चाहते हैं, और मतलब इफ के अंदर एक और इफ हमने लगाना है, तो एक तरह से आउटर और एक इनर इफ हो गया। तो इस तरीके से चारों ही मैं आपको विद एग्जीक्यूशन यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे सिंपल इफ की। देखो यहां पे हमने क्या लिखा, इफ स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखो जी, यहां पे हमने क्या किया, सिंपल इफ स्टेटमेंट, और उसमें मैंने क्या लिखा, एज इंट इनपुट ले ली यूजर से। अब यूजर से मैंने क्या ले ली, एज की वैल्यू जो है वो यूजर से ले ली और उसको मैंने एज में डाल दिया। ठीक है, एक मतलब वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर यूजर जो है वो अपनी एज डालेगा और यहां पे वो एज आ जाएगी। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है, इंट। इंट यहां पे क्यों लिखा है, ये एक्चुअल में क्या किया है, टाइप कास्ट की है। ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हमेशा रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। पाइथन में जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, चाहे नंबर लो, चाहे फ्लोट लो, चाहे कैरेक्टर लो, जो भी लोगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो यहां पे इंट हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया। अब एज आ गई, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर तो एज 18 से ज्यादा है तो प्रिंट होगा यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। और यहां पे हमारे पास कोई ब्रैकेट यूज नहीं करते, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, यहां पे वो यूज नहीं होती। यहां पे हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, मतलब स्पेस जो है वो छोड़ के इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर तो इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और साथ ही साथ ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इस इफ से बाहर है, तो ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर एज 18 से कम आप भरते हो तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट बाहर आके सिंपली ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखो, जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, इसको जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यूजर से एज मांगी, एज हमने भर दी लेट्स से 19, तो 19 एज भर दी, तो देखो क्या आउटपुट आ गई, यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस, बट याद रखना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है वो रियल लाइफ में भी इसको इंप्लीमेंट करना। अब देखो, अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं एज भरता हूं 12, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई बट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द लाइसेंस। मतलब ये आपको सिंपल इफ का फंडा जो है वो पता लग रहा है कि किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा फिर हमारे पास आ जाता है इफ एल्स। ये देखो जी, इफ एल्स, ये भी आपका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर बना के लाया हूं। इफ एल्स में हमारे पास क्या है, सिंपल, अगर मैं एज एंटर करता हूं 18 से ज्यादा तो अंदर आएगा, ये ट्रू हो गया, अंदर आएगा यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। और अगर लेट्स सपोज एज 18 से कम है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और याद रखना हमेशा इफ के साथ भी हम लोग इस तरीके से कॉलन लगाते हैं, एल्स के साथ भी कॉलन, ये सिंटेक्स का पार्ट है। मतलब जैसे हम सी वगैरह में नहीं लगाते लेकिन यहां पे लगाना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो ये सिंटेक्स का ध्यान रखना, साथ साथ मैं पैरेलली बता ही रहा हूं, तो सिंटेक्स जो है वो प्रॉपरली नोट करते रहना। तो देखो, मैंने यहां पर एग्जीक्यूट किया इसको, मैंने एज लेट्स सपोज भर दी 20, जैसे ही मैंने 20 भरी क्या आ गया, यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो 20 ग्रेटर देन 18 ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो अंदर गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एल्स पार्ट पे तो जाएगा नहीं क्योंकि या तो ये इसका मतलब क्या है, या ये या फिर ये। तो अगर मैं इसको दोबारा से फिर एग्जीक्यूट करता हूं और अगर मैं एज भरता हूं लेट्स से 18 से कम, मैंने 12 भरी, तो क्या आ गया, भैया इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों फालतू में अभी अप्लाई कर रहे हो, पहले 18 के हो जाओ। तो यानी जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा है इफ और एल्स का, ट्रू तो इधर, फॉल्स गया तो इधर। अब आ जाते जी तीसरा, इफ एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट। इफ एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट यहां पे
वही सिंपल सा फंडा है कि यहां पे हमारे पास होगा क्या, अगर तो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो अंदर जाएगा एग्जीक्यूट कर देगा, फिर जाएगा एल्स इफ पे, अगर एल्स इफ ट्रू हो जाती है अंदर जाके एग्जीक्यूट कर जाएगा, या फिर ये भी फॉल्स होगी तो नीचे वाले एल्स इफ में जाएगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर ये भी फॉल्स तो लास्ट में एल्स के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो जी, इसको मैं प्रोग्राम को बताता हूं। प्रोग्राम मैंने क्या लिखा है, यहां पर हमने दो वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया हैंडसम, दूसरा ले लिया गुड सैलरी। ट्रू और फॉल्स के केस में मैं इसको चला रहा हूं। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि हैंडसम ट्रू और अगर सैलरी भी अच्छी है ट्रू, तो यहां पे मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, यू विल मैरी विद अ सुपर मॉडल। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, सीरियस मत लेना, मतलब ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। तो अगर मैं ट्रू ट्रू करता हूं तो यहां पे इफ हैंडसम इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू हो गया, गुड सैलरी ट्रू, मतलब सैलरी भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी हो, तो यानी यू विल मैरी विद अ सुपर मॉडल। यहां पे दूसरा क्या है, हैंडसम अगर ट्रू है मतलब अच्छे दिख रहे हो, लेकिन सैलरी अगर फॉल्स मतलब गुड सैलरी है नहीं, तो उस केस में यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करेगा, वो कह रहा है कि यू विल मैरी विद अ गर्ल, ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है, एक तो ये हैंडसम इज इक्वल टू फॉल्स, दिखने में पता नहीं कैसे हो लेकिन सैलरी जो है वो अच्छी है, सैलरी अगर अच्छी है तब भी कहता है कि चांसेस बहुत सही है, मतलब सैलरी जो है वो पैसा बहुत मैटर करता है, तो यू विल मैरी विद अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर लेट्स सपोज कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों ही केस अगर भगवान भरोसे हैं, तो भैया उस केस में तो फिर आउटपुट क्या है, भगवान भरोसे, मतलब ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, तो एंड का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तब भी ओवरऑल फॉल्स है, अगर ये ट्रू है अगर ये फॉल्स, मतलब यहाँ पे अगर दोनों केस में मेरा फॉल्स आ जाता है तो इस केस में क्या होगा, ये भी फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स, तो यानी बाय डिफॉल्ट वो एल्स पार्ट पे जाके एग्जीक्यूट कर देगा जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप इफ एल्स को और एल्स इफ को भी कर सकते हो। देन फाइनली हमारे पास आ जाता है जी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये मेरा आउटर इफ है और इसके अंदर मैंने एक और इफ लिख दिया। ये देखो इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ये जो इफ है ये बाहर नहीं है, ये इफ इसके अंदर है, तो मतलब जब ये वाला ट्रू होगा तब ही अंदर जाएगा, अगर ये यहीं पे फॉल्स हो गया तो सीधा बाहर आ जाएगा आउटर लूप पे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए, ठीक है, ये लो जी इसको आई थिंक अब आपको दिख जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये देखो जी, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ये देखो जी यहां पे मैंने एज क्या डाल दी, 17, यहां पे एज क्या डाल दी मैंने, 17, मतलब 18 से कम एज डाली। जैसे ही मैंने 18 से कम एज डाली तो ये देखो 18 से कम एज, इफ 17 ग्रेटर देन 18 फॉल्स हो गया, ये अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा आउटर वाले एल्स में जाके एग्जीक्यूट कर दीजिएगा और कह देगा पहले बड़े तो हो जाओ, मतलब पहले 18 के तो हो जाओ फिर ही आप आगे जा सकते हो। लेट्स सपोज मैं एज भर देता हूं 18 से ज्यादा, ठीक है, 18 से ज्यादा भर देता हूं, इसका मतलब क्या है, एज ग्रेटर देन 20, यहां पे 20 ग्रेटर देन 18 ट्रू, अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर देखेगा कि यस आप अप्लाई तो कर सकते हो लाइसेंस के लिए, लेकिन अंदर क्या है, इफ ऑन कार इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कार भी अगर आप ऑन करते हो तो ट्रू हो जाता है, तो ड्राइव योर कार, अगर ये फॉल्स है मतलब कार ऑन नहीं करते फॉल्स है, तो उस केस में वर्क हार्ड एंड परचेज अ न्यू कार। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, एज 20 मतलब एज तो मेरी 20 ग्रेटर देन 18 ट्रू हो गया, अंदर गया, यहां पे ऑन कार मैंने ऑन कार की वैल्यू कह दी है फॉल्स, मतलब कार नहीं है, फॉल्स इज डबल इक्वल टू ट्रू, यहां पे फॉल्स हो गया, तो एक तरह से ड्राइव योर कार पे जाएगा ही नहीं, सीधा इस वाले एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा कि वर्क हार्ड एंड परचेज अ न्यू कार। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 20 ग्रेटर देन 18 ट्रू, अंदर जाएगा, अंदर जाके इस वाले इफ में जाएगा, इफ ऑन कार ट्रू, ट्रू इज डबल इक्वल टू ट्रू, यस, अब जाके आपका ये वाला प्रिंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा जब दोनों ट्रू ट्रू है। अगर ये वाला ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है तो उस केस में इस वाले एल्स को, और अगर लेट्स सपोज मेरा पहले वाला इफ ही फॉल्स हो जाता है 20 से, अगर आप 18 से कम एज भरते हो तो सीधा ये वाला आपका एग्जीक्यूट। तो इससे आपको ये भी पता लगता है किस तरीके से जो फ्लो ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब जो कंट्रोल है वो किस तरीके से एक लाइन से दूसरे लाइन पे जा रहा है, बैक लाइन बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, किस तरीके से जो फ्लो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या इंटरव्यूज में कहीं भी आपको पूछ लें आप इजिली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।